बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द डिवीजंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इससे रिलेटेड है डिवीजंस ऑफ नर्वस सिस्टम, डिवीजंस ऑफ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया था, उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की आगे हमने फर्दर ब्रांचेस एंड देन उनकी जो सब ब्रांचेस थी वो सारी डिस्कस की थी ना, जिसमें हमारे पास सिंपथेटिक भी था, पैरासिंपथेटिक भी था, और उसमें ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, ये सारी चीज़ें थी, सेंसरी मोटर, ईच एंड एवरीथिंग। हमने जो ना सिर्फ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको देखा था या नहीं देखा था। आज हमने सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रीफ डिटेल जो है वो स्टार्ट करनी है। उसमें हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कशन है। आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें कितनी चीजें होती हैं? कंप्राइजेस हाउ मेनी थिंग्स, कंपोनेंट्स कौन कौन से, ब्रेन है और हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसकी कंपोजिशन, कि हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड किस चीज से मिलकर बना होता है, आप तो जरा किसी से मिलकर बना होता है? नर्व सेल्स। कौन से नर्व सेल्स होते हैं, किस टाइप के नर्व सेल्स होते हैं आप बताओ? Yes? आप बाकी कोई भी बताए? इंटर न्यूरॉन्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स। कौन से नर्व सेल्स होते हैं बेटे, कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। हमने कितनी दफा तो ये बात पढ़ी थी कि हमारे जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारा कौन सा सिस्टम बनाते हैं, कौन सा सिस्टम बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने कंपोनेंट हैं? ब्रेन एंड, और ये दोनों किस चीज से मिलकर बनते हैं? इंटर न्यूरॉन्स से। इंटर न्यूरॉन्स नर्व्स बनाते हैं? नहीं बनाते। इंटर न्यूरॉन्स नर्व्स नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि हम सबसे पहले इन दोनों में से ब्रेन को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? ब्रेन। आपके पास ए पार्ट लिख के उन्होंने लिखा होगा कि हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रेन की एनाटॉमी देखते हैं कि ब्रेन का उसमें कितने कंपोनेंट हैं, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी लोकेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग हमने जो है ना वो डिस्कस करनी है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास कि हमारे ब्रेन की लोकेशन क्या है, हमारा ब्रेन है कहाँ पर। कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर, मौजूद है इन साइड द बोनी क्रेनियम। इन साइड द बोनी क्रेनियम। व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल। स्कल किसे कहते हैं? खोपड़ी। खोपड़ी कौन सी जगह है? इस चीज को हम क्या कहते हैं? गलत। इस चीज को भी क्या कहते हैं? मुंह भी हमारा किस में आता है? यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी हमारी स्कल में दो चीजें आती हैं। हमारी स्कल में हमारा फेस भी आ जाता है और हमारी ये जो हड्डी है ना ऊपर वाली, ये पूरे बालों के नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। ये सारी क्रेनियम है और ये वाली जो बोन्स है जिन्होंने हमारा फेस बनाया हुआ है, ये फेशियल बोन्स है। बात समझ आई? हमारी स्कल जब हम कहते हैं ये पूरी स्कल है, ठीक है, और इस स्कल का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। हमारा ब्रेन कहाँ पर है? इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड मीन बंद है। इनक्लोज्ड मीन बंद है। किस में बंद है? इन साइड अ बोनी क्रेनियम। क्रेनियम किस चीज से बनी हुई है? बोन से। किस चीज से मिलकर बनी हुई है? बोन से, हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। तो बोनी क्रेनियम के अंदर हमारा क्या बंद है? ब्रेन। कुछ लोगों का बंद ही है वो, समझ गए ना कौन से वाला बंद, तो खुलता ही नहीं है दिमाग, है ना, ताले लगा हुआ, उन्होंने जानबूझ के लगाया होता है। अच्छा तो कहाँ पे है हमारा ब्रेन बेटे? इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। इसका मतलब हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन में एक तो बोन्स का रोल है। कौन सी बोन्स का रोल है? क्रेनियम बोन्स का। किसका रोल है? क्रेनियम का। यानी ये क्रेनियम हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन की क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे ब्रेन इन बोन्स के नीचे, बोन्स के थ्री लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? थ्री। जस्ट लाइक दिस, कि अगर हम कहें कि ये हमारा ब्रेन है, इस क्रेनियम के नीचे वाली साइड पे बेटे यहाँ पे थ्री लेयर्स होंगी। क्या होंगी? थ्री लेयर्स, तीन झिल्लियाँ होंगी, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होगा। वो सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, वो जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी होती हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसके पूरा कवर होता है, उन थ्री लेयर्स में कवर होता है। उन थ्री लेयर्स को हम नाम देते हैं मेनिंजेस। क्या नाम देते हैं?
मेनिंजेस, क्या नाम देते हैं बेटे? मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है ये हमारे पास लेयर्स हैं। मेनिंजेस क्या है? लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? थ्री लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? कहाँ पर होती हैं? अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अराउंड द ब्रेन एंड अराउंड द बॉडी नहीं बोलेंगे, अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द होती हैं ये थ्री लेयर्स, ठीक है। तीन झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स हैं जो इनक्लोज करती हैं हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं? एक तो बेटे इनका फंक्शन भी प्रोटेक्शन है। इनका फंक्शन भी क्या है? प्रोटेक्शन है। दूसरा इनका ये फंक्शन है कि ये हमारे जो नीचे न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो नीचे उनको न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती हैं। क्या मुहैया करती हैं? न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती हैं और उनको ऑक्सीजन मुहैया करती हैं। उनको क्या मुहैया करते हैं? ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल सॉरी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके अंदर बहुत एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर। इनके अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। उन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्रेन के सेल्स को न्यूरिश करती हैं। न्यूरिश मीन उनको खुराक देती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना न्यूरिश कहलाता है, ठीक है। तो उनकी नशो नुमा के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए हमारे ब्रेन टिश्यूज को, सुपरफिशियल लेयर्स बेसिकली जो मेन है उनको, तो उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? हमारा मेनिंजेस। क्या ये सिर्फ ब्रेन के लिए है मेनिंजेस? नो, ये किसके लिए है? स्पाइनल कॉर्ड के लिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ होती है हमारे ब्रेन में? एक तो हमने न्यूरॉन्स पढ़ लिए ना, इंटर न्यूरॉन्स, उन्होंने चलो ब्रेन बना दिया। फिर और क्या चीज़ है? इसके अलावा हमारे पास एक फ्लूड है हमारे ब्रेन में, जिस फ्लूड को हम CSF कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? CSF। क्या कहते हैं? चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि CSF किसका एब्रीवेशन बनता है। हम कहते हैं, देखो ये लफ्ज़ मैंने क्या लिखा? सेरी। क्या लिखा? सेरिब्रो। और आगे क्या लिख रहा हूँ? स्पाइनल। सेरिब्रो स्पाइनल और आगे एफ मेन फ्लूड है। एफ फॉर फ्लूड। सेरिब्रो बेटे सेरिब्रम से निकला है। कहाँ से निकला है? बेसिकली जब हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ हम सेरिब्रम पढ़ेंगे। आपको जो ब्रेन का हमारा सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन नजर आता है, ये पूरा माथा और ये पूरा सर और ये एंड तक, ये साइडों से भी, ये पूरे का पूरा हिस्सा हमारा जो ऊपर ऊपर वाला है ब्रेन का, ये सेरिब्रम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फ्लूड है, एक तो ये सेरिब्रो मीन कि ये सेरिब्रम में भी है, मीन ब्रेन में भी है। किसमें भी है? ब्रेन में। और किसमें भी जाता होगा? स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता होगा। किसमें भी जाता होगा? जैसे ये आपको पेन नजर आ रहा है, इस पेन के बिल्कुल सेंटर में एक बारीक सा सुराख है ना, इसकी कैप वाली साइड पे भी है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सुराख होता है जिसको हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल। ये पूरे का पूरा ये जो फ्लूड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, आपको पता है हमारे हार्ट वॉल्स में भी फ्लूड था। क्या नाम था उसका? हमारे लंग्स में भी एक फ्लूड था, प्लूरल फ्लूड। क्या नाम था उसका? प्लूरल फ्लूड। बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्रेन की लेयर्स के अंदर ये मेनिंजेस, यही मेनिंजेस के अंदर ये फ्लूड मूव करता है, स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी और हमारे ब्रेन में भी। हमारे अच्छा, जो फ्लूड हमारी बॉडी में होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उसको पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट के चैम्बर्स हैं। हार्ट के क्या हैं? हार्ट है ना, उसमें चैम्बर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी चैम्बर्स हैं, हमारे ब्रेन में भी, उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। एक दो वेंट्रिकल्स हैं, आप डिटेल उनकी बड़ी क्लासों में पढ़ लोगे कि कौन कौन से वेंट्रिकल में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड बनता है, फिर कौन से वेंट्रिकल से कौन से में जाता है, फिर वहां से कैसे पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी से मुराद पूरे ब्रेन की लेयर्स में और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द सर्कुलेट होता होता है, सेंट्रल कैनाल के अंदर से होता होता वापस जाके रीअब्सॉर्ब भी होता है। वापस जाके ये नहीं है कि ये फ्लूड बनता रहे तो ये तो भर जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरफ से प्रोड्यूस भी होता है, रीअब्सॉर्ब भी होता है, प्रोडक्शन भी हो रही है और उसकी रीअब्सॉर्प्शन भी हो रही है, ठीक है। तो इसी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का भी यही काम है कि एक तो वो प्रोटेक्शन कर रहा है, न्यूरिशमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा है, बहुत से जो है ना वो पर्पज है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। यहाँ तक बात समझ आई? अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं। हमने कहा कि हमारा ब्रेन है कहाँ पर है? बोनी क्रेनियम में, उस क्रेनियम ही बोल दिया, ठीक है। ये क्रेनियम क्या है? पार्ट ऑफ स्कल। मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे ब्रेन के गिर्द या स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द थ्री लेयर्स हैं, किसकी? उनको हम नाम क्या देते हैं? मेनिंजेस। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन मेनिंजेस, ठीक है। और ब्रेन इज सराउंडेड बाय द थ्री लेयर्स कॉल्ड, उनका फंक्शन, उनकी इंपॉर्टेंस हम बता देंगे।
प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है जिसका नाम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये सर्कुलेट करता है इन द मेनिंजेस एंड देन यहां आता है और यहां स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल से होता है, वो वापस भी जाता है, रीअब्सॉर्ब भी होता है। क्लियर यहां तक बातें? कोई आपको बात समझ में ना आई? आगे ये बात समझ। ये तो थी जनरल बातें कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा ब्रेन किस चीज से मिलकर बनता है। अभी थोड़ी सी ना ब्रेन की हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इस लेवल पे हम ब्रेन को तीन बड़े हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, ठीक है बेटे। पहला हिस्सा हम कहते हैं कि ब्रेन का जो है वो फोर ब्रेन है। क्या है? फोर ब्रेन, एफ ओ आर ई। एफ ओ आर ई फोर का मतलब क्या होता है बेटे? इधर देखें, एफ ओ आर ई क्या मतलब होता है? फोर, सामने वाला। फोर सामने वाला। अब सामने वाला कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो आपको नजर आ रहा है, जिसको मैंने पहले बताया, ये सारा माथा और ये सामने सामने वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये बैक नहीं, डाउन नीचे ये वाला पोर्शन नहीं, ये सामने वाला सारा फोर ब्रेन है। ये क्या है? सारा फोर ब्रेन है। एफ ओ आर ई, बात समझ आ गई? फोर किसे कहते हैं? फिर उसके बाद आता है हमारे पास मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। और सबसे एंड में कौन आता है? हाइंड ब्रेन आता है बेटे। क्या आता है? हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन भी पढ़ लेते हैं, जो मर्जी स्पेलिंग टांग खींच लो, उनकी हमारी मर्जी है ना, हमने स्पेलिंग याद कर ली। चले हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन भी बिल्कुल यहाँ बैक पे चला जाता है, पीछे, हाइंड पीछे, ठीक है। फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये नहीं कि यहाँ पे दरमियान में फिट होगा कि ये फोर है और ये हाइंड है और यहाँ दरमियान में मिड ब्रेन फिट किया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, वो अंदर वाली साइड से होगा, वो भी हम देखेंगे कहाँ होगा, ठीक है। और बिल्कुल ये जहाँ पे हमारी गर्दन एंड हो रही है वहाँ पे क्या है? हाइंड ब्रेन। वहाँ पे कौन है? हाइंड ब्रेन है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई बेटे? हम नेक्स्ट लेक्चर इसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं, फिर बाकी ब्रेन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 36, डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। The detail of the central and peripheral nervous system are given below. अब हमें पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना पेरीफ्रल और सेंट्रल की, तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नंबर वन क्या है? ब्रेन। इन एनिमल्स, किसकी बातें कर रहे हैं? प्लांट्स में भी होता है ना? नहीं होता। प्लांट्स में ब्रेन है, उनमें कौन सी कोऑर्डिनेशन थी? केमिकल। यूनिसेलुलर में केमिकल। All life activities are under control of our brain. कुछ लोगों का ब्रेन काम, देखो आपको पता है, आप ये भी तो कह सकते थे ना करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज सूटेबल, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सूटेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। कहता है जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही उसका क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जो ब्रेन अल्लाह ताला ने रखा है वो कहाँ रखा है? नीचे रखा है। कहाँ रखा है? वहां से गवर्न करता है हमारी सारी बॉडी, ठीक है। ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द बोनी क्रेनियम। व्हाट इज क्रेनियम? पार्ट ऑफ स्कल। इनसाइड द क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर चले जाते हैं। ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। थ्री लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। क्या कहते हैं उन्हें? मेनिंजेस। मेनिंजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन। मेनिंजेस क्या करती है हमारे ब्रेन की? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द ब्रेन and provide nutrients and oxygen, and provide nutrients and oxygen through the brain through their, इसका मतलब उनमें capillaries होती हैं। उनमें क्या होती हैं? capillaries। उन capillaries के through जो है ना वो nutrients भी देती हैं और oxygen भी देती हैं। The brain contain a fluid filled ventricles, हमारे brain में fluid filled ventricles भी हैं that are continuous, जो मुसलसल fluid चलता रहता है with the central canal of the spinal cord, spinal cord की जो central canal है उसके अंदर अंदर नीचे आता रहता है। Fluid within the ventricles and the central canal is called cerebrospinal fluid. Is called cerebrospinal fluid. ठीक है? तो ये जो सबसे inner हमारे पास ये जो layers हैं, तो इनके भी नाम हैं dura mater, pia mater, ठीक है? तो ये arachnoid mater, इनके नाम हैं तीनों layers के। उसके सबसे inner layer के अंदर अंदर ये fluid फिर आता है और then उसकी absorption भी है। एक अलग से science है पूरी इसके बारे में। फिर बेटे division of nervous system, there are three major regions of the brain of the human. एंड द अदर वर्टिब्रेट, जितने भी दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनकी भी यही डिवीजन होती है ब्रेन की। देर आर दीज आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ दीज रीजन आर डिस्क्राइब बिलो। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।